हेलो हाय छोड़िए नमस्कार बोलिए नमस्कार। मैं सीमा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। कोरोना के कारण हाथ तो आप लोग धो ही रहे होंगे, लेकिन जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा तेजी से तो उसकी अफवाहें फैल रही हैं। कोरोना पहले बाद में आता है और अफवाहें पहले आ जाती है। कुछ इसी तरीके की अफवाहें आज जब से कोरोना भारत में आया है हमें सुनने को मिल रही है। अफवाहें कुछ इस प्रकार, गर्म पानी पीने से कोरोना भाग रहा है, शराब पियो कोरोना भगाओ, गौमूत्र पियो कोरोना भगाओ, चाय पियो कोरोना भगाओ, ऐसी ऐसी अफवाहें हमें सुनने को मिल रही हैं। शराब पीने से कोरोना भागे ना भागे आपका लीवर जरूर खराब हो जाना है। शराब ज्यादा पीने से आपकी इम्यून सिस्टम इतनी कमजोर होगी कि कोरोना आपसे दूर जाने की बजाय आपके ज्यादा करीब ही आ जाएगा। गर्म पानी मानती हूँ, गर्म पानी बहुत सही है शरीर के लिए, लेकिन वो कोरोना भगाने के लिए नहीं है। गर्म पानी हमारे पाचन तंत्र को सही करने के लिए होता है, ना कि कोरोना भगाने के लिए। डॉक्टर ने ये जरूर कहा कि कोरोना हमारे शरीर में इन्फेक्ट करने से पहले कुछ दिनों तक हमारे गले में रहता है, जिसकी वजह से हमें खराश वगैरह होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं साबित किया कि वह गर्म पानी पीने से कोरोना भाग जाएगा। तो ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। कोरोना से पहले तो उसकी अफवाहें इतनी जल्दी पहुंचती हैं लोगों तक और लोग मान भी लेते हैं। WHO ऐसी चीजें बोले ना बोले, डॉक्टर्स ऐसा कुछ बोले ना बोले, बस उनके मित्रगण ने बोल दिया गर्म पानी पियो कोरोना भाग जाएगा, लो हमने मान लिया, अब से हम दिन रात गर्म पानी पी रहे हैं। इससे फायदा जरूर होगा आपके पाचन तंत्र के, ना कि कोरोना के। ऐसा नहीं है कि आप गर्म पानी पी रहे हैं और लॉकडाउन का पालन ना कर रहे हैं कोरोना बिल्कुल दूर रहेगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी गलत मानसिकताओं से दूर रहें। कोरोना पहले नहीं आ रहा, उससे पहले पहुंच रहे हैं उसके चुटकुले, मीम्स, टिकटॉक वीडियोस, ऐसी ऐसी चीजें पहुंच रही हैं कोरोना से पहले कि मतलब, और लोग मान भी रहे हैं इस बात को। हम जैसे लोग ही मान लेते हैं, अरे अरे हाँ शराब पीने से ना कोरोना भाग रही है, लोग इस बात को मजाक में ले रहे हैं। लोग मजाक में ले लेके ही आगे ज्यादा लोग तो सीरियसली हो गए, शराब पीना भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो ये चीजें गलत है। हमें कोई भी न्यूज जैसे ही आप तक पहुंच रही है पहले सुनिए, समझिए, फिर अप्लाई करिए खुद पे। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया गर्म पानी पियो, शराब पियो, ज्यादा से ज्यादा चाय पियो, कोरोना भाग जाएगा। इस सब से, शराब और चाय से आपका इम्यून खराब होगा, जिससे अगर भगवान ना करे आपको कोरोना हुआ भी तो आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी कि आप लड़ पाए। इस सब शराब चाय इनसे अच्छा है कि आप सप्लीमेंट्स ले, एक अच्छा आहार पूरक चीजें ले, जिससे कि आपका इम्यून बूस्ट हो ना कि खराब हो। कोरोना से बचने का एक और एकमात्र और सिर्फ यही तरीका है स्वच्छता। अपने आसपास स्वच्छ रखिए, हाथ धोते रहिए समय समय पे। जब हाथ धोने जाएं तो 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से मलिए, हर पोर्स को मलिए, यहाँ 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 इन सब चीजों को मलिए अच्छे से, ताकि जो अंदर बैक्टीरिया या डस्ट बैठा हो वो दूर हो, जिससे कोरोना का खतरा कम हो। ये नहीं कि शराब पी के हाँ हाँ हम तो अंदर से साफ कर रहे हैं खुद को, ऐसे ऐसे लाइंस बोलते हैं लोग, ये चीजें गलत हैं। अपने आसपास स्वच्छता रखिए, सतर्क रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, समय समय पे सैनिटाइजर यूज करते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, बस यही एकमात्र है कोरोना दूर भगाने का। ऐसी फेक न्यूज, ऐसी गलत मानसिकता से हमें दूर भागना है, ना कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना है हमें। लोगों ने बोल दिया, किसी साधु ने बोल दिया कि गौमूत्र पीजिए, बीजेपी के एक लीडर थे उन्होंने ही कहा कि गौमूत्र पीने से कोरोना दूर भागता है। ऐसा कुछ नहीं है, गौमूत्र से कोरोना नहीं भागता, इतना ही है। तो चाइना और अमेरिका के पास तो हम गौमूत्र पहुंचा देते सारा कोरोना भाग जाते, क्यों नहीं भागे कोरोना? ये सारी अफवाहें हैं। लोग कोरोना को इतने मजाक में ले रहे हैं कि माता के जगराता में भी कोरोना का गाना चलाया जा रहा है। राजस्थान के घर में एक औरतों की मंडली बैठती है और वहां कोरोना के ऊपर गाना बनाया जा रहा है। टिकटॉक्स पर ना जाने कितने वीडियोस कोरोना के मजाक वे में लिया जा रहा है। ये सब चीजें सही नहीं है। मीम्स बनाना, वीडियोस बनाना, ये सब सिर्फ मनोरंजन तक ठीक है। जहां तक हम उससे खुश हो रहे हैं वहीं तक ठीक है। इसको अपने दिमाग में मत बैठाए कि कोरोना सही में मजाक है। कोरोना मजाक नहीं है, कोरोना एक बहुत ही गंभीर वायरस है और एक बहुत ही जानलेवा वायरस है, जो कि ना जाने कितनों की जान ले चुका है और कितने लोगों को उसने अपने संक्रमण में ले लिया। आज 125 देश इसके संक्रमण में हैं। तो कोरोना से बचिए। हम भारत के लोगों के लिए लॉकडाउन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया है, उसको अच्छे से पालन करिए। लॉकडाउन का घर में रहिए, स्वच्छता से रहिए, सबसे अच्छी चीज यही है।
और एक और न्यूज़ बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे सबको अपने घर से बालकनी में निकल के, बालकनी में, ये नहीं कि गलियों में इकट्ठा हो जाना है आपको और मोमबत्ती लगा के ऐसे ऐसे घुमाना है, नहीं, अपने अपने बालकनी में अपने परिवार के साथ आइए, अपना फोन का फ्लैश लाइट या फिर मोमबत्ती दिया जला करके दिखाइए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए। धन्यवाद, स्वच्छ रहिए, सतर्क रहिए, घर पे रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।